अखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः सर्वे भवन्तु सुखिनः। बिहार और उत्तर प्रदेश में विद्युत वज्रपात के चपेट में आकर 80 से अधिक व्यक्ति मर चुके हैं। उनमें अधिकांश किसान हैं जो खेतों में काम कर रहे थे। मैं जो देहत त्याग कर चुके उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त करता हूँ। भगवत कृपा से उन्हें सदगति प्राप्त हो। उनके परिवार के प्रति मेरी सहानुभूति है। केंद्रीय और प्रांतीय शासन तंत्र से अनुरोध है कि जो व्यक्ति विद्युतपात वज्रपात के चपेट में आकर देहत्याग कर चुके उनके परिवार के प्रति सहानुभूति हो, उचित उनका पोषण हो, साथ ही साथ जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न हैं, समर्थ हैं, वे उन परिवारों के भरण पोषण का ध्यान अवश्य रखें। इधर रोग की विभीषिका है, इधर वज्रपात इत्यादि, इन सब को देखते हुए यही सिद्ध होता है कि पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक्काल, ये सब जो ऊर्जा के स्रोत हैं, ये सब के सब विकृत कर दिए गए हैं। विकास को आधुनिक ढंग से परिभाषित और क्रियान्वित करने के फलस्वरूप इस प्रकार की विभीषिका प्राप्त है, इस प्रकार का दैवी प्रकोप प्राप्त है। मुझे इस बात को लेकर कष्ट है कि 4-5 महीने से विभीषिका चल रही है, समय समय पर विविध प्रकार से विस्फोट भी हो रहा है, प्रकृति कुपित है, लेकिन वैज्ञानिकों का, राजनीतिक दलों का ध्यान इस प्रकार की विभीषिका क्यों प्राप्त होती है, इस प्रकार का विस्फोट क्यों प्राप्त होता है, उधर नहीं जा रहा है। इसके मूल में आधुनिक ढंग की शिक्षा पद्धति है, अधिदैव पर दृष्टि है ही नहीं आधुनिकों की। तो मैं संकेत करना चाहता हूँ कि दैवी प्रकोप ही बीमारी के रूप में, वज्रपात आदि के रूप में प्राप्त होता है। दैवी प्रकोप के प्रशमन के लिए विकास को जिस ढंग से परिभाषित और क्रियान्वित करने की आवश्यकता है, उधर स्वयं को राष्ट्र के विधाता मानने वाले जो राजनीतिक दल और राजनेता हैं, उनका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। नारायण।